अजमेर में महिला चोर गिरोह का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गिरोह के 6 शातिर महिलाएं जिस अंदाज में वारदात को अंजाम देती हैं, उसे देखकर आप कहेंगे कि आंखों से सुरमा चुराया जा रहा है। खास बात यह है कि इस गिरोह में एक नाबालिग बच्ची भी है जो बड़े ही शातिराना अंदाज में पूरी वारदात में मदद करती है। रामगंज जिला का बाबा रामदेव के पतंजलि के उत्पाद बेचने वाला आरोग्य संस्थान मुख्य बाजार में स्थित है। इसी दुकान पर एक ई रिक्शा आकर रुकता है। इस ई रिक्शा में से एक साथ 6 महिलाएं और एक बच्ची उतरकर दुकान में चढ़ती हैं। अब एक बार आप जरा दुकान के बाहर रखे इन 3 घी के पीपों को ध्यान से देखिए। यह महिलाएं और बच्ची जब दुकान पर चढ़ी तब तक सब कुछ ठीक था और अब देखिए चंद सेकंड का खेल और एक घी का पीपा गायब हो गया। और एक बार फिर देखिए एक पीपा और नदारद। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में आना ही मुश्किल है। और यह पीपे तब गायब हो रहे हैं जबकि ना तो इन महिलाओं में से कोई दुकान में से नीचे उतरा और ना ही कोई इनके पास आया। सवाल यह है कि फिर आखिर यह पीपे गए कहां? दरअसल यह महिलाएं इतनी प्रशिक्षित हैं कि भारी से भारी वजन को अपनी साड़ी में छुपा कर ले जाने में महारत रखती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं सीन नंबर 2। यह नजारा है ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित शेखावटी कोरियर सर्विस के बाहर के। यहाँ पर एक बार फिर वही ई रिक्शा नजर आता है। इस ई रिक्शा में से झांकती वही बच्ची भी दिखाई देती है जिसने रामगंज में आरोग्य संस्थान में वारदात को अंजाम दिया था। इस ई रिक्शा में महिलाएं भी साफ दिखाई दे रही हैं और हालात भी पहले वाले। नजर चुकी और माल पर आया। एक के बाद एक दूसरा 2 कार्टून इस बच्ची ने उठाकर ई रिक्शा में रखे और कारवां आगे बढ़ गया। अजमेर शहर में ऐसी एक नहीं कई वारदातें सीसीटीवी में दर्ज हुई। यह अलग बात है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो खुद पीड़ितों ने इनमें से 2 महिलाओं को पकड़कर कोतवाली पुलिस थाने के हवाले कर दिया। इन दोनों महिलाओं को छुड़वाने के लिए गिरोह की बाकी महिलाएं भी पहुंची लेकिन पुलिस ने फिलहाल 2 महिलाओं के अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। एडिशनल SP अवनीश कुमार की माने तो सारे सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कल शाम को कचहरी रोड पर स्थित एक कोरियर की दुकान से 2 महिलाएं कोरियर का बैग उठा के लेके चली गई और उसके बाद पुनः वह उसी तरफ आई और दोबारा वो जब प्रयास करने लगी तो लोगों ने उनको देख लिया और वो कोरियर वाले ने उनको पहचान लिया। इस पर दोनों महिलाओं को रात को गिरफ्तार किया गया है। अब न्यायालय पेश किया जाएगा। कार्रवाई जारी है। इस सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आए वो इतने क्लियर नहीं है लेकिन वो दुकानदार ने पहचान लिया था। उस समय तो ये भाग गई थी लेकिन बाद में वो दुकानदार ने इनको पहचान लिया था। क्या ये पूरी गैंग है? 6-7 जनों की? ये 4-5 लोग बता तो रहे हैं लेकिन अभी तो ये 2 ही सामने आए हैं और अन्य के संबंध में जांच जारी है।